और दिल्ली के रोहिणी में आज बम धमाका हुआ है और ये बड़ा अपडेट है हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ स्कूल के पास ये बम धमाका किया गया है। फिलहाल एनएसजी की टीम को अपडेट कर दिया गया है, उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है। सीएफएल की टीम भी पहुंची है और ऐसे में जो तमाम जानकारियां हैं वो अभी की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के पास रोहिणी की तस्वीर है और ये घटना वहां पर घटी है। और आपको बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें, एनएसजी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। घटनास्थल पर आ भी सकती है एनएसजी की टीम। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट भी मौके पर पहुंची है। इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है, तस्वीरें निकाली जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कोई भी ऐसी गतिविधि आसपास तो नहीं हुई। तीन तस्वीर हम आपको इस वक्त रोहिणी इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। रोहिणी में जो धमाका हुआ, पहली तस्वीर हम रोहिणी बाजार की आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर यह बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है वहां की तस्वीर है। धुएं का गुबार आपको दिख रहा होगा, ये वही इलाका है, वही वो स्थान है जहां पर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जहां पर आप गुबार देख रहे हैं धुएं का। और तीसरी जो तस्वीर है फिलहाल सुबह की है जहां पर ये जांच की जा रही है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका हम रुख करेंगे। मनोज, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली इस वक्त दहल रही है, कल भी हमने देखा कि कैसे सात राउंड फायरिंग हुई है दिल्ली में और आज ये घटना जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है। फिलहाल एनएसजी को अपडेट कर दिया गया है, उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या वो पहुंच रहे हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली से पहले जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इनकार नहीं किया जा सकता। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ था। अभी भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मौके से जो सैंपल हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पेशल सेल की जो टेरर यूनिट है, जो एंटी टेरर यूनिट है, उसके अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा स्पेशल सीपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एडिशनल सीपी पहुँचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी जो मौका वारदात है, यानी कि जो स्कूल की दीवार है उसके पास से सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो धमाका है हाई इंटेंसिटी का धमाका था, यानी कि धमाका बहुत तेज था। इतना तेज कि जो सामने दुकानें हैं उन दुकानों के शीशे टूट गए, जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के शीशे टूट गए और जो दुकानों के बोर्ड लगे हुए हैं वो तक यहाँ पर नीचे गिर गए। तो कहीं ना कहीं किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एनएसजी को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और एनएसजी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी बता दिया गया है, तमाम एजेंसीज को बता दिया गया है, क्योंकि दिवाली से पहले इस तरीके का एक धमाका होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और धमाका भी बहुत ज़्यादा तेज था। जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सुबह करीब 7:45 बजे बहुत तेज जो उनको आवाज़ थी वो सुनाई दी। उसके बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो एक धुएं का गुबार जो था वो यहाँ पर उठा हुआ था। और हालांकि गनीमत ये रही कि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी है। एनएसजी को अगर रिपोर्ट किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस हथियार से वहां पर, जिस बॉम्ब का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो ग्रेनेड है क्या है, अगर इसकी कोई जानकारी हो या ऐसा कुछ मिला हो जिसकी वजह से जो जांच के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और भी जो एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई, क्या कोई अपडेट आपके पास है जिसकी वजह से एनएसजी को तलब कर दिया गया है कि ये यहां से बरामद हुआ है? क्योंकि एनएसजी को बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, जो धमाका हुआ है, मौके से पुलिस को एक सफ़ेद पाउडर मिला है दीवार के ऊपर भी, और उसके अलावा जो पेड़ है वहां पर भी सफ़ेद पाउडर मिला है। एफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची हुई है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि धमाका हुआ है, तेज़ धमाका हुआ है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार धमाका किस चीज़ से किया गया है और धमाका करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि एफएसएल को
जानकारी दी गई है और एनएसजी को भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी बताया गया है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो धमाका है उसमें किसी साजिश से इनकार दिल्ली पुलिस फिलहाल नहीं कर रही है। तमाम पहलुओं पर इसकी जाँच की जा रही है। अभी तक मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, फैसल की टीम मौजूद है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की एंटर टेरर यूनिट की स्पेशल सेल की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। और क्योंकि धमाके की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, जब धमाका हुआ तो आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए, जो गाड़ियां खड़ी थी उसके शीशे टूट गए। इसके अलावा जो दुकानों के बोर्ड थे वो तक नीचे गिर गए, यानी कि धमाका बहुत तेज था। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे कर रही है। तो जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार धमाका किस चीज से किया गया था और धमाका करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था। तो तमाम जो जांच है वो अभी यहां पर की जा रही है। हो सकता है कि एनएसजी को जो इन्फॉर्म किया गया है तो एनएसजी की जो टीम है वो भी यहां पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रशांत विहार इलाके की तस्वीरें हैं, और जो स्कूल की दीवार है करीब उसके पास ही 7:45 बजे करीब ये धमाका हुआ। रविवार का वक्त था, स्कूल खुला हुआ नहीं था, और जो सामने आप दुकानें देख रहे हैं वो भी सुबह के वक्त बंद थी। अगर यही धमाका एक दिन पहले यानी कि रात को हुआ होता तो इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और जो सामने आप दुकानें यहाँ पर कैमरामैन मनीष उनियाल दिखाएंगे, यहाँ पर सभी खाने पीने की दुकानें हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपके पास आती हूँ मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो स्पेशल सेल है वो मौके पर मौजूद है। स्पेशल सीपी आरपी उपाध्याय मौके पर पहुंच गए हैं। मनोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनोज, अब ये ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, जो स्पेशल सेल है, जो इस तरह के घटनाओं पर अपनी जांच करती है, इसमें जो सीपी है आरपी उपाध्याय वो मौके पर पहुंच गए। जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल सेल की जो एंटर टेरर यूनिट है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी, वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और स्पेशल सीपी जो आरपी उपाध्याय हैं स्पेशल सेल के, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जो भी जाँच की थी वो अभी जो उनसे डिटेल ले रहे हैं कि आखिरकार धमाका किस तरीके से हुआ होगा, कहाँ पर हुआ था। तो तमाम जो डिटेल है उसको इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर खड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सामने की अगर मैं बात करूं तो सामने जो दुकानें आप देख रहे हैं, इन दुकानों के जो बोर्ड थे वो आप देख सकते हैं किस तरीके से टूट गए हैं। ये देखिए जो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड पहले बिल्कुल सही थे और जब धमाका हुआ सुबह करीब 7:45 बजे तो ये बोर्ड्स यहाँ पर टूट गए। तो क्योंकि धमाका बहुत तेज था, लेकिन अभी भी पुलिस जो है इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है। यही वजह है कि अभी एफएसएल को यहाँ पर बुला लिया गया है। एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ से सैंपल इकट्ठे कर रही है। और तो दिवाली से पहले धमाका, वो भी राष्ट्रीय राजधानी में सीआरपीएफ का कैंप, स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। तमाम जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी आपको तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।